हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एनएक्स ऑडियो MT1601 क्रॉसओवर का सेटिंग के बारे में। जैसे कि हम जान लें कि यहाँ पर आप बैक पैनल में आप देख सकते हैं क्रॉसओवर का सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिमिटर, सेंसिविटी, लो पास फिल्टर या फिर बहुत सारे चीज़ यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो हमें कैसे रखना है, लो पास, बाईपास, हाई पास या फिर लिमिटर ऑन रखना है या ऑफ रखना है, सेंसिविटी कितना में रखना है, मोड कौन सा मोड में हमें चलाना है, तो बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में अभी तक नए हैं तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं फटाफट से, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट में, तो यहाँ पर पहले नंबर में आता है लिमिटर, सेकंड में सेंसिविटी, तीसरे नंबर में आपका आ जाता है मोड, और चौथे नंबर में आ जाता है फिल्टर, पांचवें नंबर में आ जाता है लो कट 30 हर्ज, और यहाँ पर छठवें नंबर में आ जाता है ग्राउंड। तो यहाँ पर हम फर्स्ट से बात करते हैं पर लिमिटर से। दोस्तों, यहाँ पर लिमिटर आपको ऑन रखना है, जो कि यहाँ पर आपका अगर लिमिटर ऑन रखते हैं तो यहाँ पर स्पीकर का जो मतलब कि हम वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो आपका लिमिटर शो करेगा एम्पलीफायर में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर सेंसिविटी आ जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है 0.775 वोल्ट से लेकर 1.44 वोल्ट तक हमें मिल जाता है सेंसिविटी। दोस्तों, यहाँ पर हम सेंसिविटी रखेंगे 0.775 वोल्ट, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में ही है आपको, तो यहाँ पर आप 0.775 वोल्ट में आप रखेंगे, जो कि कम वॉल्यूम में आपको ज़्यादा साउंड निकाल के देगा एम्पलीफायर। तो आप चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर पे, जो है आपका मोड। तो ये आपका मोड है, आपको स्टेरियो मोड मिल जाता है एम्पलीफायर में, पैरेलल मोड मिल जाता है और ब्रिज मोड मिल जाता है। दोस्तों, बात करें स्टेरियो मोड में हम कैसे चलाएंगे। दोस्तों, स्टेरियो मोड में आपको कैसे चलाना है, चैनल ए में इनपुट लगाना है और चैनल बी में भी इनपुट लगाना है, मतलब कि दो इनपुट लगाना है और दोनों चैनल ए मतलब कि आउटपुट आपको लेना है स्पीकर वाला, चैनल ए से लेना है और चैनल बी से भी आपको ले लेना है। तो सिंपल सी बात है, दोनों चैनल में इनपुट करना है और दोनों चैनल से आपको निकालना है स्पीकर का वायर, मतलब कि स्पीकर का वायर जो आता है वो आपको दोनों चैनल में लगाना है। आप लगा सकते हैं स्पीकॉन या फिर वाइंडिंग पोल्स में भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैरेलल मोड में हम कैसे चलाएंगे। तो ये भी आपका सिंपल है, बस आपको यहाँ पर ये करना है कि चैनल बी में नहीं लगाना है। अगर आप पैरेलल मोड में लगाते हैं तो यहाँ पर चैनल ए में ही आपको लीड लगाना है, तो आपका जो है दोनों चैनल काम करेगा। जैसे कि चैनल ए में हम इनपुट किए और दोनों चैनल से स्पीकर का आउटपुट लिए, मतलब कि दोनों चैनल में मतलब कि दोनों चैनल से हम आउटपुट लेंगे, जैसे कि स्पीकॉन के थ्रू या फिर वाइंडिंग पोल्स के थ्रू हम ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें ब्रिज मोड में कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पर ब्रिज मोड में आप ना ही चलाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी पावर एम्पलीफायर है इसलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रिज मोड में हम कैसे चलाएंगे ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चैनल ए में आपको इनपुट करना है और चैनल ए से ही आपको ऑपरेट करना है, जैसे कि वॉल्यूम कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, तो चैनल वन से ही आपको ऑपरेट करना है, चैनल ए में इनपुट करना है और चैनल ए से ही आपको ऑपरेट करना है, मतलब साउंड कम या फिर ज़्यादा जो भी करना है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्पीकर हम कैसे लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर वाइंडिंग पोल्स में आपको इजीली आप देख सकते हैं, पीछे आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस और माइनस, जैसे कि आपका जो रेड वाला बीच में आपको देख सकते हैं, रेड वाला है चैनल ए का रेड और चैनल बी का रेड, दोनों रेड रेड से ही आपको लेना है स्पीकर में। अब कैसे लेंगे, यहाँ पर से ऊपर वाला आपका हो जाता है रेड और नीचे वाला हो जाता है ब्लैक, जैसे कि चैनल ए का रेड कलर का जो वाइंडिंग पोल्स है वो आपका रहेगा रेड रहेगा, मतलब कि प्लस रहेगा, और चैनल बी का जो रेड वाला है वायर मतलब कि वाइंडिंग पोल्स वो आपका रहेगा ब्लैक कलर, मतलब कि माइनस। तो वहाँ से आप लगा सकते हैं इजीली, स्पीकर में आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप छोटा एम्पलीफायर में चलाना चाहते हैं तो। इसमें तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि काफ़ी हैवी एम्पलीफायर है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर हम फिल्टर। यहाँ पर दोस्तों लो पास, बाईपास, हाई पास, तो यहाँ पर लो पास में हम चलाते हैं बेस, जो कि हमें काफ़ी यहाँ पर बेस ही मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिड और हाई मिलता नहीं है, मतलब कि लो पास मतलब आता है यहाँ पर बेस, ओनली बेस ही आपको मिलेगा, मिड और हाई देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बाईपास से,
तो यहाँ पर बाईपास में आपको देखने को मिलेगा मिड, तो यहाँ पर मिड और बेस मिलेगा। तो अगर आप बाईपास में रखते हैं तो मिड और बेस आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप हाई पास में रखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा मिड, ट्रबल ज़्यादा मिलेगा और बेस थोड़ा बहुत ही मिलेगा। तो यहाँ पर मिड ट्रबल ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको ट्रबल मिलेगा हाई पास में। तो ये आपका होता है हाई पास, बाईपास और लो पास। इजी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हाई पास में जैसे कि जो ट्यूटर का साउंड आता है उस टाइप से आपको हाई पास में मिलेगा, एंड बाईपास में आपको मिलेगा जो स्पीकर का साउंड आता है, वोकल जो हम बोलते हैं वो आपको मिलेगा और बेस भी मिलेगा आपको, और यहाँ पर लो पास में ओनली बेस मिलेगा, जैसे कि हम बेस चलाते हैं तो वो आप चला सकते हैं। अगर आप ओनली बेस चलाते हैं तो यहाँ पर लो पास में चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें लो कट 30 हर्ट्ज़, तो यहाँ पर हम 30 हर्ट्ज़ को ऑफ़ रखेंगे, जो लो कट 30 हर्ट्ज़ है उसको हम ऑफ़ रखेंगे, क्योंकि हमें 30 हर्ट्ज़ का साउंड नहीं चाहिए, इसीलिए हम ऑन नहीं रखेंगे इसको। दोस्तों हम सबसे नीचे देखें तो यहाँ पर आपको ग्राउंड मिल जाता है, तो हम इसे ऑन रखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर आपका यहाँ पर वर्क करेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो नीचे जाके सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, कोई क्वेश्चन हो कोई सुझाव इस चैनल के लिए। तब चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।